वेलकम बैक नौकरीखबर.com यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से आई हुई 78 पोस्ट के ऊपर नई भर्ती 2020 के बारे में, जिसका पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। साथ में आप लोग 7 सितंबर 2020 तक घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन से आवेदन भी कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों का सचमुच सपना है बीएसएफ को ज्वाइन करके भारत देश की सेवा करने का, या फिर बीएसएफ को ज्वाइन करके एक अच्छी सी पोस्ट के ऊपर लेटेस्ट डिफेंस गवर्नमेंट जॉब करने का, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आज की इस वीडियो को पूरी आखिर तक देखेगा। चलिए हम लोग नोटिफिकेशन को चेकआउट करते हैं, उसके बाद आगे वीडियो में बात करते हैं। दोस्तों, बीएसएफ की तरफ से नई सीधी भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, आपको फॉर्म को भरना होगा। आगे हम बात करेंगे कि आप लोग कैसे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और बीएसएफ भर्ती फॉर्म कैसे आप लोग जो है तो अप्लाई करेंगे। कुल पदों की बात करें तो 78 यानी कि 78 पदों के लिए वैकेंसी आ चुकी है। मेल एंड फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पे 7 सितंबर 2020 यानी कि 7 सितंबर 2020 इसके लिए आखिरी डेट रखी गई है। तो चलिए हम लोग मेन वेबसाइट पे चलते हैं, जहाँ से हम लोग नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे और अधिक जानकारी देखेंगे इस वैकेंसी को लेकर। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरी देखने के साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट को देखने के लिए नौकरी खबर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ध्यान से बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको आवेदन करने का, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा आप लोग गूगल पे जाके mponline.co.in टाइप करेंगे, आपको ये पेज मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आप लोग देख पाएंगे बीएसएफ असिस्टेंट कमांडेंट रिक्रूटमेंट है 2020 के लिए, जहाँ पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। 78 यहाँ पे आपको असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट वैकेंसी मिलने वाली है, जहाँ पर आपको 19/2020 यानी कि 19 अगस्त का बड़ा अपडेट देखने को मिलने वाला है। इसके बाद आप लोग यहां पे देख पाएंगे mponline.co.in की ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां से आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा नीचे आने पर आपको बता दें कि यूपीएससी के थ्रू टीएससी एपीएफ के लिए वैकेंसी आ चुकी है, जहां पर आपको 78 पोस्ट असिस्टेंट कमांडेंट की देखने को मिलने वाली है। स्टार्टिंग डेट की बात करें तो यहां पे 18 अगस्त 2020 से लेकर आप लोग 7 सितंबर 2020 तक अप्लाई कर पाएंगे। और इसके अलावा एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम 30 ईयर विथ रिलैक्सेशन के साथ होना चाहिए। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए केवल 200, बाकी सभी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस यहाँ पे नहीं रखी गई है। चाहे आप एससी हो, एसटी हो, फिर या फिर किसी भी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट ही क्यों ना हो। यहाँ पे टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब टुडे की बात करें तो आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करके आप लोग इन जॉब्स के बारे में जानकारी देख सकते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कम्बाइंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की तरफ से वैकेंसी आ चुकी है। इसके बाद आप लोग वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कौन कौन से स्टेट से आवेदन कर पाएंगे, तो ये ऑल इंडिया की जॉब है, यानी कि पूरे भारत के सभी राज्यों के कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, सैलरी के बारे में देखेंगे, 35,100 रुपए से लेकर आपका 1,12,400 रुपए पर मंथ का यहाँ पे वेतन सैलरी दी जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं 12वीं ग्रेजुएट इट्स इक्विवेलेंट है, तो आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। 7 सितंबर 2020 तक अप्लाई चलेंगे और सिलेक्शन आपका रिटर्न एग्जाम, पीईटी, पीएचटी, मेडिकल इंटरव्यू और फाइनल मेरिट लिस्ट के आधार पर होने वाला है। बात करते हैं इंपोर्टेंट लिंक के बारे में, तो अप्लाई ऑनलाइन, डाउनलोड फुल नोटिफिकेशन, और यहाँ पे आपको आखिरी में एमपी ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलेगी। चलिए हम लोग यहीं पे चल के एक बार पूरी डिटेल में जानकारी देख लेते हैं। तो हमको इस लिंक पे क्लिक करना होगा और आप लोग देख सकते हैं mponline.co.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको नीचे जाना है। नीचे आने पर आपको यहाँ पे फर्स्ट नंबर या सेकंड नंबर वैकेंसी की अपडेट मिल जाएगी। यूपीएससी के थ्रू यहाँ पे वैकेंसी है, टोटल 209 यानी कि 209 आपको वैकेंसीज मिलेंगी। हालांकि इसके बारे में मैंने जानकारी आपको पहले ही प्रोवाइड करा दी है, तो आप लोग इसको चेकआउट करिएगा, डिटेल में जानकारी मिलेगी। अभी हम लोग डायरेक्ट चलते हैं नोटिफिकेशन वाले टैब पे, जहां से आप लोगों को नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना होगा। तो नीचे आने पर इंपोर्टेंट लिंक का ऑप्शन मिलेगा, जहां पे आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन के सामने यहां पे क्लिक हेयर का ऑप्शन है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने नोटिस डाउनलोडिंग में लगेगा और आप लोग इसको डाउनलोड वाली बटन पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप लोग देख पाएंगे 18/8/2020 का पीडीएफ है, 7/9/2020 का अपडेट है, और आप लोग बाकी डिटेल यहीं से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे पहली नंबर जो वैकेंसी है बीएसएफ के लिए है 78, यहाँ पे टोटल आपको नंबर ऑफ पोस्टें मिलने वाली हैं। एग्जाम सेंटर की बात करें, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर हैं, तो आपको इसके लिए भी चेकआउट कर लेना है कौन से सेंटर के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पे मेन है लखनऊ, कोलकाता, कोची, जम्मू, जयपुर, सभी मेन है, आप लोग अपने नियर बाई एग्जामिनेशन सेंटर को सिलेक्ट कर पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप लोग नोटिफिकेशन को डाउनलोड करिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।